इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी भारत के सांस्कृतिक विरासत के सबसे बेशकीमती खजानों में से एक है। पटना शहर में अशोक राजपथ पर स्थित इस लाइब्रेरी में 21,000 से ज्यादा बेशकीमती पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स और 2.5 लाख किताबें हैं। ये लाइब्रेरी सन 1891 में आम लोगों के लिए खोली गई थी। यहाँ रखी हुई किताबें खान बहादुर खुदाबख्श का निजी खजाना था। खुदाबख्श पटना में एक वकील थे जिनकी गिनती इस्लामी ग्रंथों के हिसाब से महान जानकारों में होती थी। खुदाबख्श का जन्म 1842 में एक इज्जतदार खानदान में हुआ था जिनकी कई पीढ़ियां मुगल सल्तनत की सेवा में रह चुकी थीं। खुदाबख्श के पिता मोहम्मद बख्श वकील और विद्वान थे जिनके पास 1400 बेशकीमती मैन्युस्क्रिप्ट्स का खजाना था। सन 1876 में अपनी मौत के वक्त वो ये खजाना अपने बेटे को सौंप गए थे। खुदाबख्श ने अपने पिता के शौक को जारी रखते हुए किताबों और मैन्युस्क्रिप्ट्स का खुद अपना एक संग्रह बनाया। उन्होंने ये किताबें पूरे उत्तर भारत में मुगल काल के पतन के बाद गरीबी की मार झेल रहे अमीर लोगों से ली थी। उसी समय रामपुर के नवाब भी किताबों और मैन्युस्क्रिप्ट्स का संग्रह जमा कर रहे थे। बाद में रजा लाइब्रेरी बनी जिसमें उनकी किताबों का खजाना रखा गया। खुदाबख्श और रामपुर के नवाब के बीच इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को हासिल करने के लिए मुकाबला चलता रहा। खुदाबख्श ने अपना खजाना आम लोगों के लिए दान कर दिया। उसके बाद लाइब्रेरी का निर्माण सन 1888 में 80,000 रुपए की लागत से किया गया था। खुदाबख्श ने अपने मरहूम पिता की इच्छा को पूरा करते हुए सन 1891 में लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया जिसका नाम पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी रखा गया। सन 1908 तक यानी खुदाबख्श जब तक जीवित रहे लाइब्रेरी के सचिव के रूप में काम करते रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में लाइब्रेरी का नाम बदलकर खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कर दिया गया। सन 1969 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का केंद्र घोषित कर दिया और तभी से इसे संस्कृति मंत्रालय से वित्तीय मदद मिल रही है। सन 1972 में डॉक्टर आबिद रजा बेदार लाइब्रेरी के डायरेक्टर बन गए। लंबे समय तक ये लाइब्रेरी उपेक्षा की शिकार थी लेकिन डॉक्टर बेदार ने इसमें नए सिरे से जान लाई। हालांकि उन्हें स्वार्थी लोगों का मुकाबला भी करना पड़ा मगर इसमें वो कामयाब रहे। उनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर जबरदस्त शोध हुआ और लाइब्रेरी ने कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मेजबानी भी की। डॉक्टर बेदार सर 1992 में सेवानिवृत्त हो गए। आज लाइब्रेरी का कामकाज एक बोर्ड के निगरानी में चलाया जाता है। बिहार के राज्यपाल इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। लाइब्रेरी के रोजमर्रा के काम की जिम्मेदारी इसकी डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता बेदार संभालती हैं, जो डॉक्टर आबिद रजा बेदार की बेटी हैं। डॉक्टर शाइस्ता बेदार ने संस्थान और उसके संग्रह के बारे में अपना नजरिया हमारे सामने रखा। कल्चरल हेरिटेज ऐसा होता है जो सबकी संपत्ति होती है, नेशनल हेरिटेज। बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशियस मैन्युस्क्रिप्ट्स। पांडुलिपियों की वजह से ही ये सारी दुनिया में मशहूर है। इसकी लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, अरबिक, उर्दू, पर्शियन, हिंदी, संस्कृत, टर्किश लैंग्वेजेस में यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और लगभग 21,000 के करीब मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे यहाँ। खुदाबख्श जो थे ही वॉज़ अ बिब्लियोफाइल, बहुत शौकीन थे किताबों के और मैन्युस्क्रिप्ट्स के एंड ही वॉज़ एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। और अपनी काफ़ी उनकी जायदाद थी। आज जो ये लाइब्रेरी है ये उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे ही एस्टैब्लिश्ड है। तो उनको जो शौक़ था किताबों को जमा करने का, ये वही रिज़ल्ट है जो आप इतनी बड़ी लाइब्रेरी आज देख रहे हैं। अपने फादर से उन्होंने कुछ ये किताबें इनहेरिट की, बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स लगभग 400 के करीब। और
ग्रेजुअली व्हेन ही डाइड तो वो 4000 हो चुके थे, बुक्स एंड मैनुस्क्रिप्ट का कलेक्शन 4000 हो चुका था। उनका तरीका ये था, जहाँ भी जो किताब भी मिले, जो मैनुस्क्रिप्ट भी मिले, उसको मुँह मांगे दाम देकर वो हासिल किया करते थे। उनके अपने एमिसरीज हुआ करते थे, उन्होंने अपने पेड बंदे छोड़े हुए थे जगह जगह, जहाँ से भी मैनुस्क्रिप्ट लाए जा सकें। और उनका ये तरीका होता था कि ये नहीं देखा जाए कि कितना कीमती है, क्या उसकी कीमत है, जहाँ से भी जैसे भी मिले उसको हासिल करना है, ख़रीदना है। तो वो ख़ुद तो सारे एट अ टाइम नहीं काम कर सकते थे, बट ही हैड अ नंबर ऑफ सच पीपल टू होम ही यूज़ टू पे। उनका ये काम करने वाले लोग हुआ करते थे जिनको वो पेमेंट पे रखते थे। तो इस तरह से व्हेन ही डाइड इन 1908 तो उनका एक अपना कलेक्शन 4000 के करीब हो चुका था। एंड सिंस देन द लाइब्रेरी हैज़ ग्रोन टू द एक्सटेंट के आज यहाँ हमारे यहाँ 21,000 के लगभग मैनुस्क्रिप्ट पाए जाते हैं और करीब 3 लाख प्रिंटेड बुक कलेक्शन है। लॉर्ड कर्जन विजिटेड हियर इन 1903, तो उनकी विजिट के याद में उनके नाम पे ये कर्जन रीडिंग हॉल बनवाया गया। इन दोज डेज खुदाबख्श वॉज देयर और उनके हमारे यहाँ विजिटर्स बुक में ऑटोग्राफ मौजूद हैं। कर्जन ने जो चीज़ें देखी और वो इम्प्रेस हुए उसके बारे में वो जो कुछ लिख रहे हैं वो देखने की चीज़ होगी। नाउ द कर्जन रीडिंग रूम इज़ मेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हुए हैं मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वॉट एवर दे आर प्रिपेयरिंग। तो लाइब्रेरी उन्हें स्पेस प्रोवाइड करती है, उनके रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो कर्जन रीडिंग रूम आज इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जितने भी एमिनेंट्स ऑफ द पीरियड रहे ऑफ इंडिया एज ऑल्सो फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया का हम लोग जहाँ से बात कहें तो पंडित नेहरू आए यहाँ, गांधी जी आए 1925 में, और गांधी जी ने लिखा है इट वाज ए फीस्ट फॉर एन आई लाइब्रेरी में, जो उन्होंने ज्वेल्स देखे, प्रेशियस मैनुस्क्रिप्ट्स देखे, तो उनका ये रिमार्क था कि इट वाज ए फीस्ट फॉर एन आई। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत खूबसूरत राइटिंग मौजूद है इन विच ही इज़ प्रेजिंग द लाइब्रेरी एंड इट्स प्राइसलेस आइटम्स। उनकी टैगोर की तो राइटिंग ही इतनी खूबसूरत थी कि वो लगता था इट वाज सच अ ब्यूटीफुल राइटिंग, और जो वर्ड्स हैं उनके वो तो बिल्कुल पोइट्री लाइक हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और एक यहाँ पर विजिटर आए स्कॉट ओकोनोर, ही विजिटेड द लाइब्रेरी एंड ही वाज सो फॉन्ड ऑफ द दीज मैनुस्क्रिप्ट्स एंड प्रेशियस वर्क्स के उन्होंने एक ब्रीफ बुकलेट लिख डाली जिसमें लाइब्रेरी में मौजूद जितने भी मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, रेयर आइटम्स हैं, उसको बड़ी अच्छी तरह से खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिटेल में बयान किया है। तो इस किताब को हम लोगों ने अब रिसेंटली पब्लिश किया, रिप्रोड्यूस किया है 100 साल पूरे होने के बाद जब वो पहली बार किताब लिखी गई थी, तो अब रिसेंटली हम लोगों ने उसे दोबारा से निकाला है। लाइब्रेरी में हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स और 2 लाख से ज्यादा किताबें हैं, लेकिन इनमें से कुछ न सिर्फ बेशकीमती हैं बल्कि दुर्लभ भी हैं। इनमें से सबसे बेशकीमती है तारीख ए खानदान तैमूरिया। यह तैमूर के इतिहास का विवरण है और इसे मुगल बादशाह अकबर ने लिखवाया था। यह अपने आप में एक अनोखी मैन्युस्क्रिप्ट है और दुनिया में इसकी दूसरी कॉपी कहीं भी नहीं है। ये यूनिक मैन्युस्क्रिप्ट है तारीख ए खानदान तैमूरिया। आजकल ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि सेंट्रल एशिया में तैमूर हीरो माने जाते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ द तैमूरिड्स है, पेंटिंग्स हैं जो कि अकबर के ज़माने में अकबर के कोर्ट आर्टिस्ट ने
इनको तैयार किया था और इसको टेस्टिफाई कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं शाहजहाँ ख़ुद अपनी हैंड राइटिंग में जो उसमें अवेलेबल है। तारीख ख़ानदान तैमूरिया में ही ये लिखा हुआ है, उनकी अपनी हैंड राइटिंग में शाहजहाँ लिख रहे हैं कि ये अकबर के 22nd रेगुलर ईयर में इसको तैयार कराया गया। इट इज़ वेरी ऑथेंटिक अकाउंट। और अकबर को वो शाह बाबा पुकारता है और नीचे आखिर में उसके अपने शाहजहाँ के दस्तखत हैं कि शाहजहाँ इसको टेस्टिफाई कर रहा है। इसके अंदर जो हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स हैं, दिस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट आर्टिस्ट जो इनके कोर्ट में हुआ करते थे। ये जो पेंटिंग्स हैं इसमें सोशियो कल्चरल आस्पेक्ट बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। एक एक पेंटिंग्स पे कई कई पेजेस हम लोग लिख सकते हैं और लिखे जा चुके हैं, बहुत से आर्टिकल्स आए हैं इस पे। एक तो सोशियो कल्चरल कंडीशंस उससे हमें पता चल रही हैं, फिर वॉर टाइम डिपिक्शन उसमें बड़ा अच्छा दिखाया गया है कि व्हाट वर द मोड्स ऑफ वॉर एंड व्हाट वर द ड्रेसेस, व्हिच वर द एनिमल्स बीइंग यूज्ड, और उसके वेपन्स और किस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं जंग के दौरान, और पानी में भी जो जंगें हो रही हैं तो उसको वो कैसे फाइट कर रहे हैं। तरह तरह के इस तरह के ऐसे आइटम्स आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें तारीख ख़ानदान तैमूरिया में, कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन इट, जिसको आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा। इस के बारे में इतना बताना होगा कि ये मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बसावा उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, रामदास, भसीन, मोहनलाल, ये चंद इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उसमें, किशनदास, भगवत, ये कुछ नाम हैं, कई बार उनके वर्क्स उसमें दिखाए जा रहे हैं। एक और बहुत ही मूल्यवान मैन्युस्क्रिप्ट दीवाने हाफिज है, जो 14वीं शताब्दी के ईरानी कवि हाफिज की शायरी का संग्रह है। ये भी शाही मुगल खजाने का हिस्सा हुआ करता था। दीवाने हाफिज जो है ये कलेक्शन ऑफ वर्सेस है हाफिज का। हाफिज और सादी और रोमी, आप तो जानते हैं ये बहुत जाने माने नाम है पर्शियन में। तो ये हाफिज़ का वो दीवान है जिसको मुगल्स कंसल्ट करते थे। दे यूज़ टू टेक इट आउट ओमेन, शुभ घड़ी निकालने के लिए, किसी काम को हम करें ना करें, टेकअप करें या नहीं, इसको इस काम को करना अच्छा है कि नहीं, तो इस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता था। और उसमें जहांगीर की राइटिंग है, हुमायूं की राइटिंग है, तो एक ही जगह नहीं कई कई जगह राइटिंग्स हैं। इस लिहाज से इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि रॉयल कॉपी है, बादशाहों की इसमें अपनी राइटिंग्स हैं और उनके नोट्स हैं, जिससे उनके माइंड का पता चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। अब दो इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो अरबिक में हैं, एक किताबुत तसरीफ़ है ज़हरावी की और दूसरी किताबुल हशाइश, एक मेडिसिनल प्लांट्स पे है और दूसरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर है। ये दोनों भी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं विच आर नोन एज रेयर। ये चारों मैन्युस्क्रिप्ट्स एक तौर से मैं आपको बताऊं, विज्ञान निधि में इनको रेयरिटी का सर्टिफिकेट दिया गया और तारीख ख़ानदान तैमूरिया को यूनेस्को के हेरिटेज मेमोरी रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। तो ये तो आपको बताया मैंने कुछ रेयर वर्क्स के बारे में। लाइब्रेरी में प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन की कविता ओड टू नेपोलियन की एक प्रति भी है, जिसमें बायरन के अपने हाथ से लिखे दो अतिरिक्त छंद भी हैं। इसके अलावा ये लाइब्रेरी कुरानों के अपने बेशकीमती संग्रह के लिए भी जाना जाता है। ये कुरान कभी मुगल बादशाहों की मिल्कियत हुआ करते थे। ये इसीलिए भी बेशकीमती हैं क्योंकि इन पर सोने का काम है।
और इन पर जो खत्ताती या सुलेखन का काम है वो बेहद खूबसूरत है। कुरान की हमारे यहाँ इतने छोटे साइज से इतने बड़े साइज तक कुरान की कॉपीज हैं एंड सम ऑफ देम आर सो हाईली एल्यूमिनेटेड, गोल्ड वर्क उसमें अच्छी तरह से यूज़ किया गया है कि उस तरह की कॉपीज और दूसरी जगह कम पाई जाती हैं। कुछ मैनुस्क्रिप्ट्स कुरान के ऐसे हैं जो रॉयल एम्परर्स को गिफ्ट किए जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं वो गिफ्ट हो रहे हैं, और कुछ लोग ट्रांसक्राइब कर रहे हैं अच्छी तरह से वो गिफ्ट कर रहे हैं। तो इसकी अपनी वैल्यू ये है कि सेक्रेट वर्क के होता था, इसलिए यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड गोल्ड इन एम्बलिशिंग एंड डेकोरेटिंग द कुरान्स। सो दीज आर वेरी मच हाईली एल्यूमिनेटेड गोल्ड गिल्डेड वर्क्स कुरान के जो मौजूद हैं यहाँ पाए जाते हैं, देखने लायक हैं, जिसको कहते हैं कि आप उसको देखेंगे तो आपकी आंखें डैजल करने लगेंगी, चमकने लगेंगी। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वी हैव अ नाइस कलेक्शन ऑफ वर्क्स ऑन हिंदुइज़्म, रामायण भगवद गीता जो इलस्ट्रेटेड हमारे यहाँ मौजूद हैं, दीज आर वेरी रेयर कॉपीज। और अभी हम लोग एक कैटलॉग तैयार कर रहे हैं विच विल इंक्लूड वर्क्स ऑन हिंदुइज्म मैनुस्क्रिप्ट्स इन मेजर ओरिएंटल लाइब्रेरीज, रजा लाइब्रेरी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, एंड फोकसिंग ऑन बेसिकली खुदा बख्श लाइब्रेरी में जो मैनुस्क्रिप्ट्स हैं हिंदुइज्म पर। उपनिषद के अच्छी कॉपीज हैं, उपनिषद को आप जानते होंगे दारा शिको ने ट्रांसलेट किया और फिर उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, सिर्रे अकबर इज द ग्रेट सीक्रेट। और आज वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ये उपनिषद जाना जाता है, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस पर्शियन टेक्स्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में, फिर इसका जर्मन में ट्रांसलेशन हुआ। और अ नंबर ऑफ अदर वर्क्स आर देयर विच आर टू बी रिसर्च्ड। सीरत फिरोज शाही का मैनुस्क्रिप्ट हमारे यहाँ मौजूद है, और ये भी ऐसा मैनुस्क्रिप्ट है कि जिसकी कॉपीज और किसी जगह अवेलेबल नहीं है, ये पर्टिकुलर मैनुस्क्रिप्ट जो है सीरत फिरोज शाही का, और इसका हम लोगों ने अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पब्लिश कर दिया है। ट्रांसलेशन हैज़ बीन डन बाई प्रोफेसर अस्करी, द रिनाउंड हिस्टोरियन, उनका किया हुआ इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ द पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक। एक हमारे यहाँ डिक्शनरी अभी रिसेंटली पब्लिश हुई, उसका भी मैनुस्क्रिप्ट मौजूद है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है, मिर्ज़ा हा बिन फखरुद्दीन उसके कंपाइलर हैं, और मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने इसको तैयार कराया अपने बेटे को हिंदी सिखाने के लिए, पर्शियन के ज़रिए वो कैसे हिंदी सिखाया जाए, इसकी इम्पोर्टेंस ये है। ज़रा सोचिए कि औरंगज़ेब इज़ टेकिंग इंटरेस्ट कि वो अपने बेटे को हिंदी सिखाए पर्शियन के थ्रू, और उसके लिए बाकायदा एक डिक्शनरी तैयार कराई गई, और अब ये हिंदी की पहली डिक्शनरी बन जाती है इस हिस्ट्री ऑफ लेक्सिकोग्राफी में, हिंदी की ये पहली डिक्शनरी करार दी जाएगी। डॉक्टर शाइस्ता बेदार सन 2019 से लाइब्रेरी की डायरेक्टर हैं। पद संभालने के बाद से ही डॉक्टर बेदार बदलते समय के अनुसार लाइब्रेरी को प्रासंगिक बनाने में लगी हुई हैं। अपने दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट्स के कारण ये लाइब्रेरी मध्यकालीन भारत पर काम करने वाले इतिहासकारों, विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए एक बेहद अहम शोध केंद्र है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मध्यकालीन भारत के इतिहास का मूल और प्रत्यक्ष जरिया है। जो हमने आने के बाद यहाँ और ऐसे काम किए विच वर नॉट डन सिंस पास्ट सेवरल ईयर्स, उसमें से एक ख़ास काम तो है यहाँ के मैनुस्क्रिप्ट्स को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में ब्रीफ कैटलॉग तैयार कर दिया गया ऑफ ऑल द मैनुस्क्रिप्ट्स अवेलेबल ओवर हियर। दिस इंक्लूड्स द टेक्सचुअल मटीरियल, टेक्सचुअल
manuscripts as also the mini manuscripts in the form of letters of eminence. 10,000 के लगभग वो letters हैं जिसको mini manuscript कह सकते हैं, खुद अपने हाथ के लिखे हुए eminence के letters. इनका हम लोगों ने indexing कर दिया है और manuscripts की catalogs तैयार कर दी, website पर डाल दिया गया है ये catalog. लाइब्रेरी की पब्लिकेशन की एक वेबसाइट तैयार करी गई है और उस पर जो रीसेंट कलेक्शंस हैं हमारे उसको वेबसाइट पे हम लोग डाल दे रहे हैं, डाल चुके हैं ताकि इजी एक्सेस हो सके. ये तो काम हुआ इस फील्ड में एकेडमिक तौर पे, और लगभग 30-35 किताबें छापी गई इन द लास्ट 30 मंथ्स. 30-35 किताबें छप गई इंडिक रिलीजन्स पर, फ्रीडम फाइटर्स पर, नेशनल मूवमेंट पर, खास तौर पर गांधी जी पे 4-5 किताबें आई, वो देखने की होंगी. बुद्धिज़्म पे कुछ किताबें आई, इस्लाम, बुद्धिज़्म एंड द प्रॉफिट्स ऑफ इंडिया. भगवद गीता को रिप्रोड्यूस किया गया, गांधी जी की लिखी हुई गीता जो है भगवद गीता, उसको हम लोगों ने अभी रिप्रोड्यूस किया है. ये सारी पब्लिकेशन का सिलसिला इसलिए भी है कि हमारे ऑब्जेक्टिव रहे हैं कि हाउ टू प्रिजर्व, ब्रिंग अवेयरनेस, preserve the rarities and disseminate the knowledge contained in these rarities and the manuscripts. ये हमारे targets रहे हैं, उसी के लिए ये publication का काम भी होता है. और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जिससे एक दूसरे को करीब लाया जा सके. ब्रीफ बुकलेट्स हैं इंडिक रिलीजन्स पे. जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो एक दूसरे को जान नहीं सकते. इंसान को किस तरह से, आदमी को कैसे इंसान बनाया जाए, इंसानियत बेसिक चीज़ है. सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी सिर्फ अगर रह जाएंगे तो इंसानियत रह जाएगी. एंड दिस इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव के आदमी को इंसान कैसे बनाया जाए, कम्युनिटीज़ को करीब कैसे लाया जाए और इस दुनिया को कैसे रहने लायक बनाया जा सके. तो वी हैव स्टार्टेड द वर्क ऑफ डिजिटाइजेशन. कुछ यहाँ डिजिटाइजेशन हो चुका था और ये 7-8 साल से अभी स्टैग्नेंट था. तो बताना ये है कि अब तक हमारे यहाँ 12-13 लाख फोलियोज डिजिटाइज हो चुके हैं और कुछ मैनुस्क्रिप्ट को हम लोग डिजिटाइज करके NVLI पोर्टल पे भेजते रहे हैं. ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का पोर्टल है ताकि इसको इजी एक्सेस पा सके, ये लोगों तक आसानी से पहुँच सकें. और वी आर प्लानिंग टू गेट आवर होल कलेक्शन डिजिटाइज विद इन 2 years एंड वी आर ट्राइंग टू गेट सम स्कैनर्स. हमारे यहाँ अभी कुछ चीज़ों की कमियाँ हैं और जिसकी कोशिश हो रही है कि हम लोग हासिल कर सकें स्कैनर्स वगैरह और इन हाउस इस काम को कराया जा सके. हमारे यहाँ 4,000 के लगभग मैनुस्क्रिप्ट इंडियन हिस्ट्री पे होंगे, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे. आज मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे ऑथेंटिक काम करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो बेसिक सोर्सेज हैं, मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, उनके ट्रांसलेशंस हों, इंग्लिश में हों, उर्दू हिंदी में हों, जो कि पर्शियन में है ज़्यादातर, ताकि असल हिस्ट्री अच्छी तरह से बेसिक सोर्स पे बेस करके लिखा जा सके. ये सेकेंडरी सोर्सेज पे बेस करके लिखा जाना जो होता है उसमें वो बात नहीं आती है, आप तो जानते ही होंगे. So we are trying to get the significant literature to be translated. Urdu ka Hindi mein, Hindi ka Urdu mein, Persian ka Hindi aur English mein translation hona chahiye aur hum logon ne isko shuru bhi kar diya hai. Kisi ko agar aisa particular interest hai ki original cheeze aake dekhna hai to unko to yahan aake ye rarities dekhna hi hongi. Original cheez ki baat hi aur hoti hai. लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जब सारी चीज़ें हम लोग डिजिटाइज कर लेते हैं तो इसको हम लोग इंटरनेट पे डालेंगे. ग्रेजुअली इस पे इंटरनेट पे डाल दिया जाएगा. पहली स्टेज ये होगी कि हम लोग इसके फर्स्ट एंड लास्ट फोलियोज़ को डालेंगे और डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये कौन सा मैनुस्क्रिप्ट है. फिर उसको आगे चल के हम लोग फुल टेक्स्ट डालेंगे. फुल टेक्स्ट डालने से ये होगा कि स्कॉलर कहीं भी किसी भी जगह बैठे हुए हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकेंगे वो ज़रूर उसको. लेकिन अगर उन्हें उसकी कॉपीज़ लेना होगी तो दे'ल हैव टू कॉन्टैक्ट टू द लाइब्रेरी के हाउ टू टेक द कॉपीज़. फुल टेक्स्ट डाल दिया जाएगा, पढ़ने के लिए फ्री होगा कि उसे पढ़ें.
लेकिन डाउनलोड करने के लिए और उसको फिजिकली लेने के लिए उसके लिए लाइब्रेरी से कॉन्टैक्ट उनको करना पड़ेगा, लाइब्रेरी का अपना कॉपीराइट रहेगा। एंड वी आर इंटरेस्टेड कि इसका डिसेमिनेशन हो, नॉलेज का डिसेमिनेशन इसी तरह से होगा कि ये किताबें क्रिटिकली एडिट होके आएँ, इनका ट्रांसलेशन्स हो और जो इसके अंदर थॉट कंटेंट है वो डिसेमिनेट हो, लोग उसके बारे में जाने के है क्या। सिर्फ ये तो लोगों को मालूम है कि इतने सारे मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत कीमती मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन उसके अंदर है क्या ये अभी जानना ज़रूरी है, बाकी है। आज लाइब्रेरियों की दुनिया बदल रही है। इंटरनेट, सर्च इंजन और ई बुक्स की इस दुनिया में लाइब्रेरियों के सदस्य संख्या तेजी से कम होती जा रही है। रामपुर में रजा लाइब्रेरी और अलीगढ़ में AMU लाइब्रेरी के साथ खुदाबख्श लाइब्रेरी भी डिजिटाइजेशन के जरिए अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। लाइब्रेरी को उम्मीद है कि प्रलेखन, अनुवाद, कैटलॉगिंग और डिजिटाइजेशन के जरिए वो वैश्विक पाठकों के लिए खुद को फिर से स्थापित कर सकेगा। लेकिन लाइब्रेरी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। अप्रैल सन 2021 में एक फ्लाईओवर बनाने के लिए परिसर के दायरे में आने वाले कर्जन हॉल की इमारत के एक हिस्से को गिराने का प्रस्ताव था, मगर खुशकिस्मती से ये प्रस्ताव रद्द हो गया। एक और चुनौती इसके डिजिटाइजेशन के लिए जरूरी पैसा है। हालांकि लाइब्रेरी को भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय से वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन जिस पैमाने पर काम होना है उसके लिए ये काफी नहीं है। ये आशा की जाती है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी एक विश्वस्तरीय स्तंभ के रूप में उभरेगी और हमारे इतिहास की सच्चाइयों को सामने लाती रहेगी।